अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं सायन सुलहरी और आज की वीडियो के अंदर मैं आपको फिर से इंटीमेट करने जा रहा हूं कि स्कीम 33 के अंदर दोबारा से फिर से एक नोटिफिकेशन आया। जनवरी का नोटिफिकेशन है, समा की ये न्यूज़ थी, समा ने ब्रेक की, जहां पे 81 कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ को इलीगल करार दिया गया। ये फुल मैप के साथ डिटेल अवेलेबल है। इससे पहले कि प्रोग्राम को शुरू किया जाए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के बटन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले प्रोग्राम के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। जैसा कि मैंने अपनी बहुत सारी पहले वीडियो के अंदर भी बताता रहा हूं कि सिंध ने, SBCA ने बहुत सारे नोटिफिकेशन जारी किए हैं, बहुत सारी सोसाइटीज़ को इलीगल करार दिया गया है। इस दफ़ा तो जनवरी के अंदर ये सोसाइटीज़ को बाकायदा तौर पर इंटीमेट करके कहा गया कि SBCA ने मुकम्मल तौर पर इन सोसाइटीज़ को इलीगल करार दिया गया है और इनके तमाम खरीदो फरोख करने से मनाही की गई है। आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, जहां पे आपको पूरी डिटेल के साथ सोसाइटीज़ की आपको डिटेल मिल जाएगी कि कौन कौन सी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। ये गालिबन वही हाउसिंग सोसाइटी है जो आज से 3-4 माह पहले मैंने प्रोग्राम किया था और उसके अंदर बताया गया था कि ये सोसाइटीज़ इलीगल करार दिया गया है। यहाँ पे आप जो है सेलिंग और परचेजिंग मत करें, किसी भी किस्म की खरीदो फरोख करने वाला अपनी जो नुकसान का जिम्मेदार है वो खुद होगा। इसका एक आसान हल जो मैं आपको बता देता हूं कि आसान हल इसका क्या है। इसका एक आसान हल है, किसी भी सोसाइटी में अगर आप परचेजिंग करना चाहते हैं या ख़रीदना चाहते हैं तो उसका सिर्फ और सिर्फ हल ये है कि आप SBCA के ऑफिस जाएं, वहां से उनका नोटिफिकेशन लें, उनसे कहेंगे जी आप जिस सोसाइटी में ख़रीदना चाह रहे हैं उनका नाम उनको लिख के देंगे, आप हमें ये बता दें क्या ये सोसाइटी लीगल है या इलीगल है, हम यहाँ पर परचेजिंग कर लें, क्या हमें यहाँ पर आगे फ्यूचर के अंदर SBCA कोई एक्शन तो नहीं करने जा रहा, कोई क्या इसमें कोई तोड़फोड़ तो नहीं होगी, या आप जिस जगह पे बाइंग कर रहे हैं क्या इन सोसाइटीज़ के पास SBCA के नोटिफिकेशंस या SBCA के NOC मौजूद हैं। तो आपको एक वाजे पिक्चर आपके सामने आ जाएगी कि जिस सोसाइटी के अंदर आप परचेजिंग कर रहे हैं ये सोसाइटी हर तरह से लीगल है, इसमें किसी किस्म का भी कोई इशू नहीं है। तो लिहाजा आपसे भी मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि किसी भी चीज़ को परचेज करने से पहले, चाहे आप किसी लीगल या इलीगल में परचेज करें, SBCA एक हतमी नोटिफिकेशन जारी करता है। तमाम 17-18 NOCs होने के बाद फाइनल NOC SBCA का होता है, जिसके अंदर वो उनको कंस्ट्रक्शन की इजाज़त देता है कि इस सोसाइटी के अंदर कंस्ट्रक्शन की इजाज़त है, और SBCA NOC तभी प्रोवाइड करता है जब बाकी के तमाम NOC क्लियर होते हैं। तो लिहाजा किसी भी चीज़ को परचेज करने से पहले, कराची के अंदर खास तौर पे किसी भी सोसाइटी को परचेज करने से पहले, प्लॉट परचेज करने से पहले, आप SBCA का NOC ज़रूर रिक्वायर्ड किया करें ताकि आपके पास जो हतमी शक्ल है वो आपके पास हो, बजाय इसके कि आप किसी के ऊपर दारोमदार करें, आपके पास खुद से वाजे तौर पर एक इदारे का नोटिफिकेशन होगा कि ये सोसाइटी लीगल है या इलीगल है। इंशाल्लाह अगले किसी प्रोग्राम के अंदर फिर से मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।